हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के वीडियो में प्रीव्यू करेंगे द यूरो क्वालिफायर्स बिटवीन कजाकिस्तान एंड स्लोवेनिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ क्रूशियल स्टैट्स, दोनों टीम्स के प्रोबेबल लाइनअप्स एंड द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। तो बने रहेगा हमारे साथ आखिरी तक फॉर द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर कजाकिस्तान वर्सेस स्लोवेनिया। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11। विजन 11 का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फास्ट बॉलिंग करनी है तो फास्ट रन अप भी जरूरी है। अब जिसने भी विजन 11 पे टीम बनाई है, असली गेयर तो वही करेंगे। डाउनलोड विजन 11। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम ग्रुप टेबल इस ग्रुप का। ये ग्रुप है ग्रुप एच ऑफ द यूरो क्वालिफायर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ग्रुप में है 6 कंट्रीज जो क्वालिफाई करने की कोशिश करेगी फॉर द नेक्स्ट ईयर टूर्नामेंट जो रहेगा 2024 में यूरोज इन जर्मनी। अगर हम रैंकिंग देखें दो सब टीम्स की, यह है फीफा रैंकिंग्स फॉर ऑल द टीम्स। डेनमार्क सबसे अच्छी रैंक टीम है इस ग्रुप में विद 18 उनकी रैंक है। आज के मैच की बात करते हैं कजाकिस्तान, उनकी फीफा रैंकिंग है 115 और उनके ओपोनेंट्स है स्लोवेनिया, उनकी रैंकिंग है 62। अगर हम फीफा रैंकिंग से देखें तो हम बता सकते हैं कि स्लोवेनिया आर द स्ट्रॉन्गर टीम, बेटर टीम है कजाकिस्तान से, बट कजाकिस्तान होम पे खेल रही है तो होम पे कजाकिस्तान का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, एनवायरमेंट हॉस्टाइल होता है। तो स्लोवेनिया के लिए हालांकि फेवरेट रहेगी पेपर पे स्लोवेनिया, बट मैच थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्रूशियल स्टैट्स की। शुरू करते हैं गोल से। अगर हम गोल्स की बात करें, कजाकिस्तान ज़्यादा गोल स्कोर नहीं करती, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही लो स्कोरिंग साइड है। इनके हाईएस्ट गोल स्कोरर है रसलान, उनके 2 गोल है। इस्लामाबाद कुआ डबाट के भी 1 गोल है। ज़्यादा गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आते हैं, बट होम पे यूजली वो लोग स्कोर करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कजाकिस्तान एक टफ फाइट देगी इन टर्म्स ऑफ अटैक टू स्लोवेनिया आज के मैच के लिए। स्लोवेनिया की बात करें तो उनके टॉप गोल स्कोरर है एलिसिच विद 4 गोल, जैक के भी 3 गोल है, और मेन स्ट्राइकर जो मैं बताऊंगा आपको वो है बेंजामिन सेस्को, वो बहुत ही ब्राइट एंड अपकमिंग प्रोस्पेक्ट है, उनके भी 2 गोल है इन ऑल कॉम्पिटिशन फॉर स्लोवेनिया। अब हम बात करते हैं असिस्ट की। अगर मैं असिस्ट की बात करूँ, जब कजाकिस्तान के गोल्स ही नहीं है तो असिस्ट भी बहुत ही कम होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो तीनों कॉन्ट्रीब्यूटर्स के सिर्फ 1-1 असिस्ट ही है, वेरी लो स्कोरिंग साइड, बट ऑन देयर डे दे कैन स्कोर गोल्स। अगर मैं स्लोवेनिया की बात करूँ, सैंडी लवरिज के 3 असिस्ट, एलिसिच जिनका नाम आपने गोल स्कोरर्स के टेबल पे भी देखा था अलोंग विद स्पोरार, इनके भी 2 गोल्स थे, इधर 2 असिस्ट भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, और स्टोजानोविच और सेलार के 1 असिस्ट है। स्टोजानोविच इज समवन जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ये राइट बैक खेलते हैं स्लोवेनिया के लिए और बहुत ही अटैकिंग राइट बैक है। चलिए अब बात करते हैं टैकल्स और इंटरसेप्शंस की। अगर मैं टैकल्स और इंटरसेप्शंस की बात करूं, कजाकिस्तान के डिफेंसिव नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 32 हाईएस्ट टैकल्स है माली के, ये अगर स्टार्ट करते तो आपके लिए अच्छे पिक बन जाएंगे। अलिप के हैं 18 और बिस्त्रोव के भी 16 टैकल्स और इंटरसेप्शंस है। अगर मैं स्लोवेनिया की बात करूं, पीटर स्टोजानोविच जो मैंने बताया था जस्ट पिछले स्लाइड में ही राइट बैक, बहुत ही अटैकिंग है, इनके टैकलिंग नंबर्स भी देखे बहुत ही अच्छे टैकल्स और इंटरसेप्शन है इनके 25। बियोल जो इनके सेंटर बैक है 21 टैकल्स एंड इंटरसेप्शन, ये भी क्रूशियल लोग प्ले करेंगे आज के लिए आपके फैंटेसी कॉम्बिनेशन में। और कर्टिच इनके सेंट्रल मिडफील्डर है, इनके भी 20 टैकल्स और इंटरसेप्शन है। चलिए अब बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रोबेबल लाइनअप्स की, स्टार्टिंग विद कजाकिस्तान। अगर मैं कजाकिस्तान की बात करूँ, कजाकिस्तान बहुत ही डिफेंसिव टीम है, ज़्यादा गोल स्कोर नहीं करती है और ये होम पे खेल रही, तो होम पे उन पे इंसेंटिव रहेगा कि होम मैचेस जीते अगर उन्हें क्वालिफाई करना है फॉर द नेक्स्ट ईयर यूरोस टूर्नामेंट। अगर मैं फैंटेसी परस्पेक्टिव से बात करूँ, वी एक्सपेक्ट कजाकिस्तान टू लाइनअप इन अ 5-4-1 फॉर्मेशन। स्टैंड आउट फैंटेसी पिक इनके लाइनअप से बन जाएंगे इनके स्ट्राइकर एम्बेटोव, इनके रिलायबल गोल स्कोरर कोई है नहीं, बट अगर आपको लग रहा है कि मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर फ्रॉम द कजाकिस्तान टीम, वो मैं बोलूंगा एम्बेटोव है। मिडफील्ड से हमें टैगी बोगन एंड कुआड भी दोनों बहुत पसंद है। टैगी बोगन आपको बहुत सारे चांसेस क्रिएटेड के पॉइंट्स दे सकते हैं और कुआड थोड़े बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, आगे आते हैं शायद आपको गोल थ्रेट दे देंगे इस मैच में। लेफ्ट विंगर एस्टनोव भी हमें बहुत पसंद है, यंग प्लेयर है कजाकिस्तान के, कभी लेफ्ट विंग पे खेलते हैं कभी राइट पे खेलते हैं, दोनों से अच्छा गोल थ्रेट देते हैं आपको। डिफेंस में आप दोनों फुल बैक से कंसिडर कर सकते हो, कायरव हमें ज़्यादा पसंद है राइट बैक से, इनके टैकलिंग नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और ये थोड़े आगे भी आते हैं, तो कायरव इज द वन दैट यू शुड कंसिडर। माली के आपने देखा कि नंबर्स बहुत अच्छे थे, स्पेशली टैकलिंग नंबर्स, तो इज अनदर वन आप जो कंसिडर कर सकते हो। और जो इनके गोलकीपर हमें बहुत पसंद है बिकॉज सेव्स बहुत करते हैं, तो गोलकीपर शैट्सकी हमें बहुत पसंद है फॉर दिस मैच। स्लोवेनिया स्ट्रॉन्गर टीम है, अटैक करेगी और शैट्सकी आपको अच्छे सेव पॉइंट्स दे सकते हैं इस मैच में। चलिए अब बात करते हैं स्लोवेनिया की प्रोबेबल लाइनअप की। स्लोवेनिया दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, बेटर रैंक टीम है, अवे फ्रॉम होम खेल रही है, बट स्टिल वो लोग उम्मीद करेंगे कि ये मैच वो जीत पाए।
अगर मैं फैंटेसी पर्सपेक्टिव से बात करूं, स्लोवेनिया लाइनअप करती है 4-4-2 फॉर्मेशन में। स्टार्ट करता हूं, मोस्ट फेमस नाम फ्रॉम द स्लोवेनियन टीम वो है यान ओब्लैक, वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है, आपने इनका नाम सुना ही होगा क्लब फुटबॉल में, बहुत ही अच्छे गोलकीपर है और स्लोवेनिया के लिए भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। अगर मैं स्टैंड आउट फैंटेसी पिक बात करूं फ्रॉम द स्लोवेनियन लाइनअप, वो बन जाएंगे आपके लिए यंग स्ट्राइकर बेंजामिन सेस्को। ये है आज के यूरोप में वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रॉपर्टीज, बहुत ही टॉल स्ट्राइकर है, इनका प्ले स्टाइल बहुत बढ़िया है और गोल स्कोरर्स बहुत अच्छे हैं ये। अगर स्लोवेनिया स्कोर करती है आप एक्सपेक्ट करते हो कि सेस्को इन्वॉल्व रहेंगे, अगर सेस्को उस गोल में इन्वॉल्व नहीं रहते तो उनके स्ट्राइक पार्टनर स्पोरार भी काफी अच्छे प्लेयर है, एंड्रास स्पोरार काफी इंप्रेसिव यंग स्ट्राइकर है ये भी, इन दोनों की पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी चलती है, तो सेस्को और स्पोरार आप दोनों के लिए स्टैंड आउट फैंटेसी पिक्स बन जाएंगे। राइट मिड फेस जैक खेलते हैं वो भी अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए, ये भी गोल कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करके दे सकते हैं। और सेंट्रल मिडफील्ड में सेरिन एंड स्टैंकोविच आप जरूर कंसिडर करना, सेरिन इनके पास मास्टर आपके लीजिए, बहुत सारे पासिंग के पॉइंट्स देंगे और चांसेस भी अच्छे क्रिएट करते हैं, स्टैंकोविच आपको टैकलिंग में अच्छे पॉइंट्स करके दे सकते हैं। अगर मैं डिफेंस की बात करूँ स्टैंड आउट पिक बन जाएंगे स्टोजानोविच, जैसे कि आपने देखा असिस्ट पोटेंशियल इनका बहुत अच्छा है, टैकल्स और इंटरसेप्शंस में इनके नंबर्स अच्छे हैं, तो स्टैंड आउट पिक फ्रॉम द डिफेंस बन जाएंगे पीटर स्टोजानोविच। ब्लाजिच एंड बियॉल आप कंसिडर कर सकते हो, दोनों सेंटर बैक्स आपको पासिंग के अच्छे पॉइंट्स देंगे, बियॉल के भी टैकल्स और इंटरसेप्शंस काफी अच्छे, तो बियॉल भी आप जरूर कंसिडर करना। गोलकीपर ओब्लैक की मैं बात कर चुका हूँ, वर्ल्ड क्लास गोलकीपर, बट इस मैच में अनलेस आप हैवी स्लोवेनियन डिफेंस जा रहे हो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कजाकिस्तान के गोलकीपर के साथ जाएं। चलिए अब बात करते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर कजाकिस्तान वर्सेस स्लोवेनिया। अगर मैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की बात करूं, हालांकि कजाकिस्तान होम पे खेल रही है, अपसेट कर सकती है, बट स्लोवेनिया स्टिल फेवरेट्स रहेगी, हम एक्सपेक्ट करें स्लोवेनिया एटलीस्ट 1-2 गोल मारे और ये मैच जीत जाए। कजाकिस्तान स्कोर भी कर सकती है बट यूजुअली हाई स्कोरिंग टीम नहीं है। और मैं अगर ये फैंटेसी कॉम्बिनेशन की बात करूं दोस्तों, हमारे पास है 7 प्लेयर स्लोवेनिया से, 4 प्लेयर हमने लिए कजाकिस्तान से, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्ट करेंगे हम कैप्टन से, हमने कैप्टन किया बेंजामिन सेस्को, स्टैंड आउट गोल स्कोरिंग फैंटेसी ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, स्लोवेनिया के मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर है इसीलिए हमने कैप्टन किया है, उनके स्ट्राइक पार्टनर स्पोरार भी है इस कॉम्बिनेशन में, आप स्पोरार को वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे पिक बन जाएंगे, इनके भी गोल चांसेस काफी अच्छे रहेंगे इस मैच में। लास्ट स्ट्राइकर हमने जो लिया है वो है आयम्बेटोव, ये कजाकिस्तान के मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर, लोन स्ट्राइकर खेलते हैं कजाकिस्तान के लिए इन द 5-4-1 फॉर्मेशन, और अगर कजाकिस्तान स्कोर करती है यूजली आयम्बेटोव इन्वॉल्व रहते हैं। अगर मैं मिडफील्ड से बात करूं, वी हैव जैक फ्रॉम द स्लोवेनियन मिडफील्ड, राइट विंग पे खेलते हैं, आपको गोल और असिस्ट पोटेंशियल दोनों देते हैं, और कजाकिस्तान से हमारे पास है टैगी बोगिन जो आपको पासिंग और चांसेस क्रिएट के बहुत अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं, टैगी बोगिन भी आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे इस मैच में। और एस्टनोव इज द लास्ट पिक इन द मिडफील्ड, एस्टनोव विंग प्रोस्पेक्ट है जो लेफ्ट विंग पे खेलते हैं कजाकिस्तान के लिए यूजली, ये भी अच्छे यंग प्रोस्पेक्ट है, आपको गोल असिस्ट पोटेंशियल दोनों देते हैं। अगर डिफेंस की बात करूं, वी हैव द कंप्लीट कवरेज ऑफ द स्लोवेनियन डिफेंस, स्लोवेनिया के क्लीन शीट आने के चांसेस अच्छे हैं, और हमने वाइस कैप्टन किया स्टोजानोविच, पीटर स्टोजानोविच जो है राइट बैक स्लोवेनिया के, इनके टैकलिंग नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इनके चांसेस क्रिएटेड और असिस्ट से पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, और क्लीन शीट के चांसेस भी अच्छे हैं इस मैच में, इसलिए हमने वाइस कैप्टन किया स्टोजानोविच। अगर आपको लगता है कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, आप स्कोरार को भी वाइस कैप्टन कर सकते हो, आप जैक को भी वाइस कैप्टन कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। गोलकीपर इस कॉम्बिनेशन हमने लिया शैट्सकी, बिकॉज हमें लगता है कि स्लोवेनिया ये मैच डोमिनेट करेगी, शैट्सकी को बहुत अच्छे पोटेंशियल रहेगा सेव्स करने का, और सेव पॉइंट्स वो अच्छा दे सकते हैं इस मैच में। दोस्तों इस मैच प्रीव्यू में बस इतना ही था, ऐसे ही और मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी कॉम्बिनेशन के लिए जुड़िए हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ने आपकी मदद की होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चीयर्स गाइस।